आज हम लेके उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेके। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 604,641 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 19,148 नए मामले आए हैं, जबकि 17,834 लोगों की अब तक मौत भी हो गई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड में कोरोना के 37 नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2,984 पहुंच गई है। तो प्रदेश में बृहस्पतिवार को कोरोना के 37 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दून मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित 72 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 2,984 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बृहस्पतिवार को नैनीताल जिले में 17, उधमसिंह नगर में 16, देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़ जिले में 1-1 संक्रमित मिले हैं। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है। बृहस्पतिवार को 88 संक्रमित मरीजों का इलाज के बाद घर भी भेजा गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2,984 हो गई है। वहीं 2,432 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि केवल 510 केस ही एक्टिव हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा बढ़कर के 42 हो गया है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 182 हो गई है। बागेश्वर में 83, चमोली में 74, चंपावत में 57, देहरादून में 713, हरिद्वार में 315, नैनीताल में 513, पौड़ी गढ़वाल में 143, पिथौरागढ़ में 66, रुद्रप्रयाग में 66, टिहरी गढ़वाल में 420, उधमसिंह नगर में 277 और उत्तरकाशी में 75। बात करें मौसम अपडेट की तो दून में आज से 3 दिन तक हो सकती है भारी बारिश। तो प्रदेश के कई इलाकों में अगले 5 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं देहरादून में 3 से 5 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि शुक्रवार को नैनीताल और चंपावत जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 3 जुलाई को नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान है। 4 और 5 जुलाई को नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून और चमोली जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और रुद्रप्रयाग, चंपावत व टिहरी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 6 जुलाई को भी नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और वहीं अनलॉक 2 का की गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। तो उत्तराखंड में होटल भी खुलेंगे, पर्यटकों को दी रियायतें। वहीं नाइट कर्फ्यू का समय भी घटा दिया गया है। तो अनलॉक 2 के तहत प्रदेश सरकार ने कारोबारियों के साथ पर्यटकों को भी कई तरह की रियायतें दी हैं। अब प्रदेश में रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक खोले जा सकेंगे। शॉपिंग मॉल, होटल आदि पर भी प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसी तरह शादी समारोह आदि में शामिल होने वाले अतिथियों को भी क्वारंटाइन नहीं होना होगा। मुख्य सचिव उत्पल कुमार की ओर से बृहस्पतिवार को अनलॉक 2 के तहत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों का पालन करने की शर्त कायम है। नाइट कर्फ्यू अब रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक ही रहेगा, लेकिन इसमें रात की शिफ्ट में काम करने वालों के साथ ही शादी समारोह से लौट रहे लोगों, ट्रेन बस से उतरकर घर जाने वालों को छूट मिलेगी। मुख्य सचिव की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद अब इस संबंध में जिलों के जिलाधिकारियों को भी आदेश जारी किए जाएंगे। इसके बाद नई व्यवस्था जिले में लागू हो सकेगी। उधर कंटेनमेंट जोन में पहले से चली आ रही पाबंदियां जारी रहेंगी। संक्रमण को फैलने से रोकने पर पूरा फोकस कंटेनमेंट जोन पर ही रहेगा। वहीं 65 साल व उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से छोटे बच्चों के सार्वजनिक जगह पर भी रोक जारी रहेगी। बता दें कि नई गाइडलाइन प्रदेश में 31 जुलाई तक लागू रहेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे शादी की बात करते मेहमानों को भी रियायत दी गई है। वहीं इन चीज़ों पर रोक बरकरार रहेगी तो सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार आदि पर रोक रहेगी। वहीं स्कूल, कॉलेज आदि शिक्षण संस्थान जो है वो 31 जुलाई तक तो बंद रहेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 14 जुलाई तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी। अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है, स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, परमिट आदि की जरूरत नहीं होगी, सीमा चेक पोस्ट पर रजिस्ट्रेशन देखा जाएगा। वहीं हाई कोविड लोड से इतर अन्य शहरों से आने वालों को 14 दिन होम क्वारंटाइन होना होगा। हाई कोविड लोड शहरों से आने वालों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन और 7 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटाइन होना होगा। कोविड हाई लोड शहरों से फ्लाइट बदल कर आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना होगा। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर गाइडलाइन जारी किए गए हैं। वहीं कोविड टेस्ट नेगेटिव तो क्वारंटाइन नहीं होगा। तो पर्यटकों को 72 घंटे पहले तक कराया गया कोविड टेस्ट और परिणाम नेगेटिव रहने पर संस्थागत
क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है। इन्हें भी स्मार्ट सिटी की वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पर्यटकों को कम से कम 7 दिन की बुकिंग करानी होगी। अगर ICMR की ओर से घोषित कोविड परीक्षण केंद्रों से कराया गया टेस्ट निगेटिव है तो 7 दिन का नियम लागू नहीं होगा। इसी के साथ रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक खुलेंगे तो सरकार ने राज्य में रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी गई है। अभी तक रेस्टोरेंट सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ही खोल सकते थे। और वहीं खबर आई है, सरकार ने नेपाल से सटे ब्लॉकों का बजट घटाया जबकि चीन सीमा के गांवों का बढ़ा दिया है। तो चीन सीमा का बजट बढ़ा दिया, नेपाल बॉर्डर का घटाया गया है। तो भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही तनातनी का असर इस बार बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी BADP पर भी दिखाई दे रहा है। सरकार ने चीन सीमा से सटे गांवों के लिए BADP का बजट बढ़ा दिया है। वहीं नेपाल से सटे ब्लॉकों के बजट में कटौती की गई है। और वहीं खबर आई है, भारत मिग सुकोई और मिसाइलें भी खरीदेगा। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन से टकराव के बीच रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 21 मिग 29 और 12 सुकोई 30 MKI विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। तीनों सेनाओं के लिए अतिरिक्त मिसाइलों की खरीद भी की जाएगी। वहीं हरिद्वार की सीमाएं कांवड़ियों को रोकने के लिए 20 तक सील रहेंगी। तो कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद शुक्रवार से हरिद्वार जिले की सीमाएं 20 सील हो जाएंगी और यह व्यवस्था 20 जुलाई तक रहेगी। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं के अलावा अस्थि विसर्जन के लिए आने वाले लोगों को छूट दी जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड के लोगों को भी पास होने पर ही यहाँ आने दिया जाएगा। तो सोना पहली बार 50,000 तक उछला। तो घरेलू सराफा बाजार में 50,800 तक पहुंचे सोने के दाम, बाद में उन 50,800 पर बंद हुआ बाजार। चारधाम प्रोजेक्ट दिसंबर तक पूरा होगा तो गडकरी ने कहा है। तो केंद्र सरकार का दावा है कि लॉकडाउन के काम बाधित होने के बाद भी यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को जोड़ने वाली चारधाम परियोजना को तय समय पर पूरा कर लिया जाएगा। और वहीं खबर आई है, ताजमहल समेत सभी स्मारक 6 से खुलेंगे। तो केंद्र सरकार ने ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला और जंतर मंतर समेत सभी ऐतिहासिक स्मारक 6 जुलाई से खोलने का फैसला किया है। और वहीं खबर आई है, चीनी उत्पादों का इस्तेमाल बंद करें तो त्रिवेंद्र सरकार ने कहा है। तो चीन के खिलाफ देश भर में जारी गुस्से के बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी लोगों से चीनी उत्पादों का इस्तेमाल बंद करने का आह्वान किया। सचिवालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने सख्त लहजे से कहा कि चीन को आर्थिक रूप से तोड़ने की जरूरत है। वहीं चारधाम यात्रा दूसरे राज्यों के लिए खोलने के संकेत हैं। तो त्रिवेंद्र ने चारधाम यात्रा बाहरी श्रद्धालुओं के लिए भी जल्द खोलने के संकेत दिए हैं। वो बोले, चारधाम यात्रा को राज्यवासियों के लिए खोला जा चुका है, दूसरे राज्यों के लिए भी इस यात्रा को खोलने पर विचार किया जा रहा है। वहीं रामदेव के खिलाफ शिकायत दाखिल। तो योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ अधिवक्ता ने पटियाला हाउस अदालत में शिकायत पत्र दाखिल किया है। इसमें बाबा रामदेव समेत अन्य COVID-19 दवा बनाने का झूठा दावा करने के लिए धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है। और वहीं खबर आई है, राज्य में कर्मचारी के दो संगठन आए आमने सामने। तो जनरल OBC यूनियन के अध्यक्ष पर बड़ी तकरार। तो जनरल OBC एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष दीपक जोशी को लेकर के कर्मचारी संगठन में तकरार बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर के सिस्टम असमंजस में है, जहां एक और यूनियन अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई होने पर जनरल OBC कर्मचारी ने प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी ओर कार्रवाई नहीं होने पर SC ST एम्प्लॉयज फेडरेशन ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। और वहीं खबर आई है, प्रवक्ताओं की तैनाती न मिलने से शिक्षक नाराज। तो LT से प्रमोशन पाकर प्रवक्ता बने 1400 से अधिक शिक्षक तैनाती के लिए परेशान है। इंक्रीमेंट विवाद में रिकवरी होने से भी शिक्षकों में नाराजगी है। और वहीं खबर आई है, छोटे अतिथि शिक्षकों को जल्द मिले नियुक्ति। तो अतिथि शिक्षक संघ ने सरकार से नियुक्ति से वंचित अतिथि शिक्षकों को दोबारा नियुक्त करने की मांग की है। तो संघ के राजेश धामी प्रदेश प्रवक्ता राकेश लाल ने कहा कि वर्ष 2015 में नियुक्त कई अतिथि शिक्षक और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले कई अतिथि शिक्षकों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। इससे अतिथि शिक्षकों में काफ़ी रोष है। सरकार को चाहिए कि सभी छूटे हुए युवाओं को जल्द से जल्द नियुक्ति दे।
और वहीं देहरादून में टमाटर 50 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है, जबकि गढ़वाल और कुमाऊं में भी टमाटर के रेट 50 से 60 रुपये तक पहुंच गए हैं। तो देहरादून में गुरुवार को टमाटर 50 रुपये प्रति किलो तक बिका। और वहीं खबर है, सरकार की गाइडलाइन के बाद डीएम डॉक्टर ए के श्रीवास्तव ने जारी किए आदेश। तो देहरादून में आज से खुलेंगे होटल, तो रेस्टोरेंट में बिक्री बढ़ने की आस। तो रेस्टोरेंट खोलने के लिए रात 9 बजे तक समय दिए जाने से दूर के रेस्टोरेंट संचालक खुश हैं। और वहीं खबर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों के सामने आर्थिक संकट। तो कोरोना संक्रमण की शुरुआत से ही बंद पड़े कोचिंग के संचालकों के सामने अब आर्थिक संकट पैदा हो गया है। कई संचालकों ने बताया कि वह अब इंस्टीट्यूट का किराया देने में भी असमर्थ हैं, जबकि मालिक उनसे किराए की मांग कर रहे हैं। और वहीं खबर आई है डोईवाला से, जहां पे डोईवाला में युवक ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। तो डोईवाला में नौकरी छूटने के कारण तनाव झेल रहे युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और वहीं सरकारी राशन की दुकानों में सर्वर ठप। सर्वर ठीक होने के बाद लगेगा एक सप्ताह। प्रवासियों को राशन वितरण में हो रही है दिक्कत। तो सर्वर ठीक होने पर मिलेगा वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ। तो सरकारी राशन की दुकान में सर्वर न चलने से प्रवासियों को वन नेशन वन कार्ड का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब तक सर्वर ठीक नहीं हो जाता तब तक प्रवासियों को राशन वितरण नहीं किया जाएगा। इसे खबर है, ऋषिकेश रोडवेज बस में 14 यात्री बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए हैं। वहीं खबर है कंगोली हाट से, जहां पर मैक्स नदी में गिरी है, चालक की मौत हो गई है। पंत नगर संग्रहालय 100 दिन के बाद खोल दिया गया। तो लॉकडाउन के 100 दिन के बाद गुरुवार को अल्मोड़ा स्थित जीवी पंत संग्रहालय को आम जनता के लिए खोला गया है। और वहीं खबर आई है, जल्द शुरू हो सकती हैं 90 विशेष ट्रेनें। तो मंजूरी के लिए मंत्रालय को भेजी गई है सूची। इसी के साथ खबर आई है, शिव भक्तों तक पहुँचाया जाएगा गंगा जल। तो प्रदेश सरकार ने कई राज्यों के मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद इस बार कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है, लेकिन राज्य सरकारों को हरिद्वार से गंगा जल ले जाने की अनुमति रहेगी। राज्य सरकारें जिस रूप में चाहें गंगा जल ले जाने के लिए स्वतंत्र होंगी। प्रदेश सरकार की तरफ से इसमें पूरा सहयोग किया जाएगा। और वही खबर यह, बर्खास्त की गई चंपावत जिले की 264 आशा कार्यकर्ताओं। तो नई चयन प्रक्रिया के लिए सीएमओ ने जारी किए हैं आदेश। और वही खबर यह, अफसरों को नसीहत, विधायकों मंत्रियों के साथ अदब से पेश आए। तो सांसदों व विधायकों के शिष्टाचार को लेकर के मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने दिया है आदेश। तो पहले शाही स्नान से पूरे हो जाएंगे कुंभ के स्थायी निर्माण कार्य। तो कौशिक ने कहा है, तो निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए सरकार ने गठित की हैं समितियां। वहीं खबर आई, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के नए सत्र में ऑनलाइन प्रवेश शुरू हो गया है। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में सत्र 2020-21 के लिए ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी खबर आई है, सभी महिलाओं तक पहुँचाएं योजनाएं। तो राज्य मंत्री रेखा आर्य ने बजट पारदर्शिता से खर्च करने के निर्देश दिए हैं। वहीं खबर आई है, रामनगर से, जहां पे शादीशुदा युवक ने प्रेमिका के साथ कर दी आत्महत्या। तो खबर आई है, नैनीताल के पैरू मदारा क्षेत्र के ललितपुर गांव में लीची के बाग में बृहस्पतिवार को शादीशुदा युवक ने प्रेमिका संग रस्सी का फंदा बना करके आत्महत्या कर ली है। और वहीं खबर आई, चारों धाम खुले हैं लेकिन करोड़ों का प्रसाद कारोबार जो है वो बंद है। तो प्रसाद बनाने वाली हजारों महिलाओं की आजीविका पर संकट। प्रसाद के 1 लाख से अधिक पैकेट स्टोर में ही पड़े हैं। तो प्रसाद की होगी ऑनलाइन बिक्री, तो खुलेंगे आमदनी के द्वार। और वहीं खबर आई है, चारधाम यात्रा में बढ़ रही है श्रद्धालुओं की तादाद। दूसरे दिन 600 पास जारी किए गए हैं। तो चार धामों में श्रद्धालुओं की तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगी है। बृहस्पतिवार को दूसरे दिन देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण करने वाले 600 श्रद्धालुओं को ई पास जारी किए गए हैं। वहीं सूर्यकांत धस्माना की बरी को के मामले में सुनवाई 30 को होगी। और इसी तरह खबर आई, समारोह में शराब पी तो 5000 का जुर्माना। तो गोपेश्वर से खबर आई, जहां पे फाली गांव की महिलाएं मंगल दल से जुड़ी महिलाओं ने अभियान चलाया है। और वहीं खबर आई रुड़की से, जहां पे फर्जी दस्तावेज लगा बैंक से लिया 15 लाख का लोन। झूलाघाट पिथौरागढ़ से खबर आई, जहां पे नेपाल के दुमंगिया लाली और जौलजीबी में बीओपी खोल दिया गया है। तो पिथौरागढ़ की सीमा पर नेपाल प्रहरी बल की अब 7 बीओपी संचालित हो गई हैं। कोरोनिल वटी के समर्थन में आया अखाड़ा परिषद। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पतंजलि की कोरोनिल वटी का समर्थन किया।
परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि आयुर्वेद अनादिकाल से ही हमारी चिकित्सा का पद्धति रहा है। वहीं चरवाहों के लिए मलारी तक की छूट दे दी गई है। तो गलवा घाटी में भारत चीन के बीच चल रही तनातनी के चलते बड़ा होती बुग्याल चरवाहों के लिए नहीं खुल सका। इस बार चरवाहे को इस क्षेत्र तक जाने की इजाज़त नहीं मिल सकी है। इसी वजह से चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को नीति और मलारी क्षेत्र तक ही ले जा पा रहे हैं। वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे तहसील खुली पर ऐसे खुले का क्या फ़ायदा। तो पेंशन और प्रमाण पत्रों के लिए बाहर भटक रहे हैं लोग, तहसील में ठप है काम। और वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे होटल खोलने की छूट मिली पर मालिक अभी भी असमंजस में है। तो होटल मालिक बोले पहले गाइडलाइन का अध्ययन करेंगे तब लेंगे फैसला। वहीं लॉकडाउन में होमवर्क पर बच्चों को मिलेंगे नंबर। तो लॉकडाउन के दौरान स्कूलों ने बच्चों को जो होमवर्क दिया है अब उसे चेक किया जाएगा। इसके आधार पर बच्चों को 10 में से अंक दिए जाएंगे। 6 से कम अंक हासिल करने वाले बच्चों को दोबारा उस विषय की पढ़ाई करनी होगी। वहीं लॉकडाउन में अटके हैं स्मार्ट सिटी के काम। तो कई योजनाओं के काम अधूरे हैं, अधिकारी जल्द कर रहे हैं पूरा करने का दावा। और वहीं खबर आई है 927 बस टैक्सी मालिकों ने खड़े किए हाथ। तो कोरोना के चलते यात्री कम मिलने से बस संचालकों के साथ साथ टैक्सी मैक्सी संचालक भी वाहन सरेंडर करवा रहे हैं। रोडवेज बस से 14 यात्री बद्रीनाथ के लिए रवाना किए गए हैं। और वहीं खबर है ट्रक स्कूल बस संचालकों को 6 माह का जुर्माना माफ कर दिया गया है। तो परिवहन विभाग ने 40,000 से अधिक ट्रक ऑपरेटर और 20,000 से अधिक स्कूल बस संचालकों के लिए टैक्स पर 6 माह की पेनल्टी माफ कर दी है। वहीं खबर आई है सभी छात्रों को किया जाए पास। तो एनएसयू ने धरना प्रदर्शन किया है। वहीं देहरादून दून कुल्हाल रूट पर बस सेवा शुरू हो गई है। तो रोडवेज बसों के संचालन से निगम की आय अभी भी शून्य बनी हुई है। और वहीं खबर है पहले चरण की बची सीटों पर दाखिले का मौका। तो नीट पीजी काउंसलिंग के दूसरे चरण का पंजीकरण शुरू हो गया है। वहीं एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने शुरू की ऑनलाइन काउंसलिंग। तो प्रदेश में MD, MS, MDS की सीटों पर दाखिले के लिए HNB मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दूसरे चरण की नीट PG काउंसलिंग शुरू कर दी है। इसके तहत 8 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और पौड़ी से खबर है जहां पे कैंटीन में कोरोना संक्रमित होने की अफवाह से अफरा तफरी मच गई है। तो पौड़ी से खबर है जहां पे आरोग्य सेतु ऐप पर किसी की कोरोना पॉजिटिव होने का सिग्नल मिलने की अफवाह से CSD कैंटीन में अफरा तफरी मच गई। यहां कैंटीन खोलने का इंतजार कर रहे लोगों की भीड़ जुटी थी। बृहस्पतिवार सुबह बड़ी संख्या में लोग CSD कैंटीन में सामान की खरीदारी पहुंचे थे, लेकिन कैंटीन प्रबंधक ने कैंटीन नहीं खोली। लोग कैंटीन के बाहर ही इंतजार करते रहे। और वहीं खबर आई है पौड़ी कोटद्वार से, जहां पे पौड़ी में GMO की बसें चलना शुरू हो गई हैं। तो सवारियां मिली तो 9 अन्य रूटों पर भी चलाएंगी कंपनियां बसों को। और वहीं खबर आई है नई टिहरी से, जहां पे पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों से भड़के CPM कार्यकर्ता। वहीं वर्चुअल रैली पर गिनाई सरकार की उपलब्धियाँ। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट की। तो आर्मी सेना में शामिल होने का मौका है। तो भारतीय थल सेना में वैकेंसी निकली हुई है। तो ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये आर्मी रिक्रूटमेंट रैली जयपुर में निकली हुई है। तो इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी के साथ सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भी वैकेंसी निकली हुई है। तो ये एम्स जोधपुर में निकली हुई है। तो इसके लिए aimsjodhpur.edu.in पर जा करके पूरी डिटेल देख सकते हैं। और वहीं PO व बैंकिंग एसोसिएटर के पद पर भी वैकेंसी निकली हुई है। तो ये जम्मू कश्मीर बैंक में निकली हुई है। इसमें टोटल 1,850 पद हैं। तो इसको इसके लिए jkbank.com पर जा करके आवेदन कर सकते हैं। हरिद्वार की खबरों की बात करते हैं। कांवड़ियों को रोकने के लिए सीमा पर बढ़ेगी सख्ती। तो पहले से ही पाबंद किए गए बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ कांवड़ यात्रा स्थगित होने से रोजगार का संकट भी बना हुआ है। हरिद्वार से खबर है जहां पे अभियान चला करके अस्थायी दुकानों को हटाया गया है।
वहीं हरिद्वार से खबर आई है जहां पर समुद्री इंद्रजाल, सांप की कैचुली और सेई के कांटे बरामद किए गए हैं। 5 दिन में कोरोना के केवल 2 ही मरीज मिले हैं, तो कोरोना संक्रमण के नजरिए से पिछले 5 दिन में हरिद्वार के लिए राहत देने वाली खबर है। इन 5 दिनों में 396 सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिसमें से केवल 2 ही कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हरिद्वार देहरादून कुलहाल रूट पर चलेंगी बसें, तो आज से चलेंगी बसें यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने निर्णय लिया है। तो उत्तराखंड परिवहन निगम आज से हरिद्वार से हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के कुलहाल बॉर्डर तक बस सेवा शुरू करने जा रहा है। और वहीं खबर है, निर्धारित तिथियों पर ही होंगे हरिद्वार कुंभ के शाही स्नान, तो शंकराचार्य ने कहा है। ऑनलाइन होगा प्रशिक्षण, मांगे गए व्हाट्सएप नंबर, तो शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ऑनलाइन प्रशिक्षण कराने की तैयारी शुरू कर ली है। इस बाबत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ने अधिकारियों से शिक्षकों के व्हाट्सएप नंबर मांगे हैं। और वहीं खबर आई है रुड़की से, जहां पे फर्जी दस्तावेज लगा बैंक से 15 लाख का लोन लिया है। खबर है सुल्तानपुर से, जहां पे 3 सगे भाइयों की पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सुल्तानपुर से खबर है, जहाँ पे 6 दिन पहले टांडा महतोती गांव में हुई ग्रामीण की मौत के मामले में पुलिस ने गांव के ही 3 भाइयों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं खबर आई है पिरान कलियर से, जहाँ पे दहेज हत्या के मामले में फरार महिला को गिरफ्तार किया गया है। और खबर आई है बहादराबाद से, जहाँ पे पेड़ पे लटकता मिला ड्राइवर का शव। तो मिठी बैरी श्यामपुर का रहने वाला था चालक, जेब में 27,000 रुपये भी मिले हैं। वहीं बिहार के युवक ने हरिद्वार में खुदकुशी कर ली है। हरिद्वार से खबर है, जहां पर विवाहिता को दिया 3 तलाक, मुकदमा दर्ज किया गया है। और वहीं खबर आई है चंपावत से, जहां पे 1 करोड़ से अधिक की नकली करेंसी खपाई गई है। तो जिले के टनकपुर में नकली करेंसी के साथ पकड़े गए आरोपी बीते 1 साल से नकली करेंसी बनाने और उसे आसपास के इलाकों में खपाने का कार्य कर रहे थे। बात करें हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो जिला अध्यक्ष समेत 30 कांग्रेसियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं नैनीताल पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना बताई गई है। उजला नगर इंदिरा नगर का कुछ हिस्सा कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, तो यातायात यहां पर प्रतिबंधित रहेगा। पूर्ति विभाग के माध्यम से आवश्यक सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाएगा। और इसे खबर आई है चीन नेपाल की सीमाओं पर बढ़ाई जाएगी सुरक्षा, तो चीन और नेपाल सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था अधिक चाक चौबंद की जाएगी। वहीं खबर आई है नैनीताल में वैन से घर घर होगी पैसे की होम डिलीवरी, तो तल्लीताल और HDFC बैंक ने मोबाइल ATM वैन का उद्घाटन किया है। वहीं हल्द्वानी से खबर है, जहां पे 76 वेंटिलेटर से लैस होगा COVID-19 अस्पताल। रामनगर से खबर आई है, जहां पे सुबह दर्ज कराई गुमशुदगी, शाम को मिली मौत की खबर, तो खबर आई है रामनगर से। वहीं रामनगर से खबर, GST को 3 साल पूरे मगर समस्याएं फिर भी बरकरार हैं। इसी के साथ कोचिंग संस्थानों को खोलने की छूट मिले, तो कोचिंग सेंटरों के बंद होने से प्राइवेट शिक्षकों और कोचिंग संचालकों के सामने रोजी रोटी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। बात करें कुमाऊं की खबरों की, तो नंदा देवी चोटी में बर्फ में दफन है टीम लीडर मार्टिन मोरिन का शव। वहीं 1 करोड़ से अधिक नकली करेंसी खपाई गई है। और इसी खबर आई है झूलाघाट से, जहाँ पे दुमलिंग जलजीवी और लाली में BOP पोस्ट खोली गई है। तो दारचूला में BOP का उद्घाटन करते सशस्त्र प्रहरी बल महानिरीक्षक हरि शंकर बुड़त हो की, तो नेपाल ने यहाँ पर अपनी BOP खोल दी है। और वहीं खबर है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे पिथौरागढ़ में 1 व्यक्ति और कोरोना पॉजिटिव मिला है। छोरी बगड़ में बरसाती नाले से 8 मकान खतरे में हैं। अस्कोट में पशु अस्पताल में चिकित्सक नहीं है। वहीं एक भी प्रवासी ने नहीं किया राशन कार्ड के लिए आवेदन, तो ऑनलाइन पंजीकरण के बाद गोदाम से डीलर तक उपलब्ध कराया जाएगा राशन। तो जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर के बाहर राज्यों से आए 17,000 से अधिक प्रवासियों में से किसी एक भी प्रवासी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के तहत राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया। वहीं महंगाई के विरोध में भाकपा माले ने विरोध प्रदर्शन किया है।
और चंपावत से खबर है जहां पे कीड़ा लगने से पार्टी के सब्जी बर्बाद होने लगे हैं। नेपाल की कंपनियों की भारत में घुसपैठ, तो भारतीय संचार कंपनियों का क्षेत्र नेटवर्क नहीं होने का उठा रहे हैं फायदा, तो 6,000 से ज्यादा लोग नेपाली सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वही खबर है अल्मोड़ा से जहां पे आज खुलेगी चितई गोलजू मंदिर, तो चितई स्थित प्रसिद्ध गोलजू मंदिर शुक्रवार से श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। बात करें उधमसिंह नगर की खबरों की, तो पंतनगर विश्वविद्यालय की कुक्कुट फार्म की एक इकाई को बंद कर दिया है। वही खबर आई है, जिले में 25 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जबकि 10 लोग ठीक भी हुए हैं।